स्वदेश से तंग आकर छात्र ने लगाई फांसी। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चंद्रनगर में एक नाबालिग युवती ने सहोदय की हरकतों से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने सहोदय को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस इसे अभी प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं और युवतियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए काफी सजग है। इसके लिए सरकार ने युवतियों के तहत 8 स्पेशल पुलिस विंग भी लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी युवतियों के प्रति अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है तो कहीं युवतियां तंग आकर सुसाइड कर रही हैं। ताजा मामला थाना सिविल लाइन के चंद्रनगर इलाके से उस समय सामने आया जब जिला अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल यहां पर एक युवती को मरणासन्न हालत में लाया गया था, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तो जानकारी करने पर पता चला कि चंद्रनगर की रहने वाली एक नाबालिग युवती उम्र लगभग 16 साल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि इलाके का ही छोटू नाम का एक युवक उसकी बेटी को काफी दिनों से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उसके परिजनों से भी की गई थी, लेकिन वो उनकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिससे परेशान होकर आज उनकी बेटी ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवती की मौत की खबर मिलने पर आरोपी युवक छोटू भी अस्पताल पहुंच गया, जिसे देखकर युवती के परिजन भड़क गए और उसे पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। काफी देर तक अस्पताल परिसर में हंगामा होता रहा। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और अग्रिम कार्यवाही में लग गई है। वहीं मौजूदा मृतक युवती के मामा ने बताया कि आरोपी युवक उसकी भांजी को काफी दिनों से पीछा कर रहा था, जबकि लड़की ने कई बार उसकी शिकायत हम लोगों से भी कर दी थी। अब वो लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही चाहते हैं। इस मामले को सिविल लाइन पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। इसमें सीओ सिविल लाइन का कहना है कि अभी तक प्रेम प्रसंग में सुसाइड लग रहा है, अगर छेड़छाड़ की तहरीर आती है तो इसे उसी एंगल से देखा जाएगा। सुनीता जी, क्या हुआ था पूरा मामला? रात में जब घर ड्यूटी से घर गई, जाने के बाद में ये लड़का घर में था, मुझे देख कर दुख गया। छत पे भाग गया, पाने कहाँ भागा था इतनी। फिर मैं कपड़ों पे धोने बैठ गई, मैंने अपने लड़के दुकान पे भेजा, ये छत पे धो करके गया। उतरने के बाद में लड़के ने मेरा वादी, मम्मी छोटू जा रहा है। मैंने सोचा मैंने उसका किन्नी कहा, मैंने कहा ऐसी कर रही हो ये। फिर जा रहे रास्ते में तो उनसे बोला, कहा मैं तुम्हारे घर, बोले कहाँ से आ रही है, बोले घर से आ रहा हूँ तुम्हारे। बोले क्या करना, बोले गया था मैं ऐसे भाई। और लड़की का पीछा करता था ये, वो मना करती थी, ये मानता नहीं था। कब से पीछा करता? एक साल हो चुका करते करते। मैंने फेरे गई थी घर पे, मैं कई बार गई, मन की कहा तो मैं लड़के को समझा लो। बोले क्या समझा मैं उसे भाई। लड़के परिवार वालों से कही थी आपने? हाँ, कई रात भी गई थी मैं। क्या कहा? रात दुका दिया इन लोगों ने। परिवार वालों ने क्या कहा था? कह रहे समझा देंगे। थाना सिविल लाइंस में जिला अस्पताल से थाने को सूचना आई थी कि एक 16 वर्ष की लड़की है, जिसने संभवतः सुसाइड किया है। इस सूचना पर पुलिस वहां पे गई और लाश को अपने कब्जे में लिया है और उस पर पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वजह रही है और किस तरीके से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही लग रहा है और संभवतः प्रेम प्रसंग को लेके ये कारित किया गया। सर, कोई लड़के से भी बता रहे हैं कि परेशान कुछ नहीं करता था। इस तरह की चीज़ अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आई है। जब तक कि कोई तहरीर इस चीज़ में अभी तक थाने को भी नहीं मिली है, उसके बाद ही ये जांच से ये पता लगेगा कि क्या मामला था पूरी तरीके से, जब इसकी तहकीकात की जाएगी। इसमें किसकी गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तो कोई गिरफ्तारी वगैरह किसी का भी कुछ अभी किया नहीं गया है। इसमें तहरीर मिलने के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।